लखनऊ में पार्टी कार्यालय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में विभिन्न राजनीतिक दलों और पृष्ठभूमि के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आज भाजपा में शामिल होने वाले कई लोगों में मतेश सोनकर भी शामिल हैं, जिन्होंने राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया है। कई नेताओं के भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की राह पर हमारे साथ चलने के लिए आज कई नेता हमारे साथ जुड़े हैं। लोकसभा चुनाव का पहला, दूसरा और तीसरा चरण संपन्न हो चुका है। हमें उम्मीद है कि हम सभी आगामी चरणों में लड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे। हम सब जानते हैं पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की लहर चल रही है। मोदी जी ने जो संकल्प लिया विकसित भारत का, उसको पूरा करने के लिए सर्व समाज के लोग, विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करने वाले हमारे साथी, सामाजिक संगठनों के वरिष्ठ कार्यकर्ता, सब लोग मोदी जी के इस मुहिम के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। ऐसे अवसर पर हमारे ढेर सारे वरिष्ठ साथी हैं, हमारे विश्वविद्यालय के साथी हैं, खासकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से हमारे साथीगण आए हैं। सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं एक एक करके सभी को बुलाएंगे, सभी का मैं पटका पहना करके पार्टी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि हम सब जो उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का लक्ष्य प्रदेश नेतृत्व ने रखा है, हम लोग प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण का चुनाव हो चुका है, शेष बचे चारों चरणों में पूरी ताकत के साथ लग करके एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाने के लिए बूथ स्तर तक जुटेंगे और इस मुहिम में इतनी ताकत लगाएंगे, ये महसूस हो जाए कि आपके आने से पार्टी की ताकत बढ़ी है। हम सब आपकी ताकत को समझते हैं। जहां जहां आप लोग काम कर रहे हैं, जिस जिले में, जिस क्षेत्र में, आपकी अपनी एक पहचान है और आपकी अपनी एक ताकत है। पार्टी में जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत मदद मिलेगी।